ओके सो हु इज पांडा मैन। ये सवाल एक्चुअली SBS वाले कांड से फेमस हुआ है, जब एक बंदा ओडा से पूछता है कि एलाबास्टा में जो पॉनिक्लिफ है वहाँ पे एक्चुअली पांडा मैन का नाम मेंशन है, तो क्या पांडा मैन कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है? जिसके जवाब में ओडा ने कहा था, वाह मैं तो खुद भूल गया था इसके बारे में, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, एक्चुअली ये कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो शायद ही तुम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा, थ्रू आउट द स्टोरी हमें कभी कभार एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि पांडा टाइप, मतलब वो एक पांडा ही है शायद से, तो मतलब ये हर जगह है, पर ये है कौन? तो सबसे पहले तो मुझे लगा था कि टॉय एनिमेशन ने इसे ड्रॉ किया है एंड लाइक वो लोग इसको हर जगह रैंडमली डाल देते हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो मांगा कैनन है। सो बेसिकली पांडा मैन कोई खास बंदा तो नहीं है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ मजाक के लिए, लाइक सम ईस्टर एग के लिए ड्रॉ किया गया है। ओरिजिनली ओडा सेंसेई ने इसे किनिकुमन, कोई पता नहीं अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो इस टाइप का कोई कॉन्टेस्ट होता है जिसके लिए उन्होंने इसको ड्रॉ किया था काफी टाइम पहले, और ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जहाँ पे सुपर हीरो मांगा लाइक रेसलिंग वगैरह में उसको डाला जाता है। तो पता नहीं क्यों ओडा ने इसे अपने सीरीज में भी ड्रॉ करना शुरू कर दिया, लाइक खोजो उसको, कहाँ है ये, हाँ बिल्कुल डोरा द एक्सप्लोरर की तरह। पर एक्चुअली इसका बैक स्टोरी भी है, क्या तुम्हें ये पता था? तो पांडा मैन को बचपन में एक बैम्बू फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया था एंड फिर उसको वहाँ के लोकल पांडास अपने साथ रखने लगे थे, एंड इवेंचुअली पांडा मैन बड़ा हो गया और पैसे कमाने के लिए वो बाहर जाता है। रूमर्स के हिसाब से वो फुसा विलेज गया था सबसे पहली बार, यानी कि लूफी का होम टाउन, और एक टाइम बाद वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है और इसी वजह से वो टोमेटो गैंग से पैसे उधार लेता है, पर वो उनको पैसे लौटा नहीं पाता है, जिसके बाद वो भाग जाता है ऑब्वियसली, लेकिन फिर टोमेटो गैंग उसके पीछे बंदे लगा देती है और उसके पीछे पड़ जाती है। एक बंदा है जो कि अनफॉर्गेबल मास्क करके कोई है और वो पांडा मैन का सबसे बड़ा राइवल है और वही उसके पीछे पड़ा हुआ है एज अ टोमेटो गैंग उसको हायर किया है। और हाँ एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल कि पांडा मैन की एक लवर भी है और उसका नाम पांडा वुमेन है, भाई क्या यार। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिले जो एक्चुअली ये कहता है कि पांडा मैन एक गार्डियन है लाफ टेल का जो स्ट्रॉ हैट को पीछे पड़ा हुआ है ये चेक करने के लिए कि क्या लूफी पायरेट किंग बनने के वर्दी है या नहीं, बूम ओडा फॉर सैड विंग, फक वही चमाट मारना है ऐसे लोगों को। वीडियो इतनी छोटी क्यों डाल रहा है? देखो यार विद्यालय चल रहा है इसीलिए, और बहुत गर्मी भी लग रहा है, पंखा नहीं चलाया मैंने रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो डालूंगा लंबी वीडियो भी डालूंगा, पर ये वाला वीडियो थोड़ा डिमांडेबल था तो इसीलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।